नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर आज शाम को सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में एक बस जो सीधा कश्मीरी गेट से सीतामढ़ी की तरफ जा रही थी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा कर पलट गई है। इसमें लगभग 12 लोग घायल हो गए थे जिन्हें पास की जिला अस्पताल और यथार्थ हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। इसमें कुल यात्री लगभग 45 के लगभग सवार थे और इसका बस के ड्राइवर के बारे में पता किया जा रहा है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।